ये मायने नहीं रखता कि घर कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि घर में कितनी खुशियां हैं। और अगर आप निवेश करने से डरेंगे तो घर में खुशियां कैसे आएंगी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। आजकल नोएडा में हम एक शब्द बहुत सुन रहे हैं और वो है नोएडा एक्सप्रेसवे। 400 करोड़ के बजट पर बना ये एक्सप्रेसवे इतने चर्चा में क्यों रहता है और इसके आसपास लोग घर क्यों खरीदना चाहते हैं, हम आज की अपनी इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 6-लेन हाईवे है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आपस में कनेक्ट करता है। ये नोएडा के सेक्टर 16 से शुरू होता है और आगे जाके ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक जाता है। दरअसल इस हाईवे के बनाने के पीछे का मुख्य कारण दिल्ली आगरा हाईवे का ट्रैफिक कम करना था। 25 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के आसपास पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और ये एरिया शहर का मेजर रेसिडेंशियल और बिजनेस सेंटर का हब बन चुका है। साथ ही यहाँ पर हर बजट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास नोएडा के मशहूर सेक्टर्स बने हुए हैं, जैसे कि सेक्टर 16A, 44, 92-100, 105-108, 124-137, 142-168। इसमें से कुछ सेक्टर्स कम्प्लीटली इकोनॉमिक जोन्स के लिए हैं, वहीं कुछ रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। एक्सप्रेसवे के विसिनिटी में सब कुछ मौजूद है, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, पार्क्स, मॉल्स, और इसी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है और हर बजट का इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आप नोएडा ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी से थोड़ा वाकिफ हो चुके होंगे। अब अगर मैं इन एरियाज के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और उसके सर्विस रोड्स काफी वाइड एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं और एरिया को बहुत ही इजी कनेक्टिविटी देते हैं। इट अलाउज अनइंटरप्टेड एंड क्विक कम्यूट विद अदर एरियाज ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। एक्सप्रेसवे डीएनडी फ्लाईओवर के साथ भी कनेक्टेड है, जिस वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेसिडेंट साउथ दिल्ली भी आसानी से जा सकते हैं। प्लस बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन एंड एक्वा लाइन भी नजदीक है एक्सप्रेसवे से। इसके अलावा रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स जैसे मेजर लोकेशन भी एक्सप्रेसवे पर सिचुएटेड हैं, जैसे फेलिक्स हॉस्पिटल, यथर्थ हॉस्पिटल, अमिटी इंटरनेशनल स्कूल, अमिटी यूनिवर्सिटी, मॉल ऑफ इंडिया, सेक्टर 18 मार्केट एक्सेट्रा। एक तरह से हम देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेजर पार्ट्स और हॉटस्पॉट से बिल्कुल लगा हुआ है एक्सप्रेसवे और सभी इंस्टीट्यूशंस और हाई एंड कमर्शियल यूजेस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ही सिचुएटेड हैं। Noida is a fast growing town and its development during the last one decade has been tremendous. In fact, the pace was faster than expected. And in coming years, too much development will take place, be it in terms of infrastructure or job opportunities. More industrial and institutional areas are planned on the periphery to cater to the region. Noida Convention or Heritage Center ke nirman ke liye 684 करोड़ की राशि जारी की गई है। साथ ही जेबर एयरपोर्ट के आते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसमें नोएडा के लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि एक्सप्रेसवे के थ्रू वो जेबर एयरपोर्ट आसानी से जा सकेंगे और टाइम बचा सकेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, ऑल्सो कॉल्ड एज FNG एक्सप्रेसवे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, पर जब वो बन जाएगा तो एग्जिस्टिंग रोड कनेक्टिविटी को एक और एडवांटेज मिल जाएगा। प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन, प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स, एडवेंचर पार्क्स, ये सब भी आने वाले टाइम में जब आ जाएंगे तो एरिया में कमर्शियल वायबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अभी एक बहुत ही अच्छा समय है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। द सिटी इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, हैज अ टॉप नॉच सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट and tons of employment opportunities, which will all lead to increased housing demand. तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की महत्वता जान चुके होंगे। अब आगे मैं आपके साथ एक्सप्रेसवे के अराउंड सिचुएटेड रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगी।
एक्सप्रेसवे के आसपास ढेरों रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वो भी हर बजट में। यहाँ आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेंज से लेकर लग्जरी सेगमेंट के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। एटीएस ग्रीन्स विलेज, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, पूर्वांचल सिल्वर सिटी, ओमैक्स ग्रैंड, लॉजिक्स ब्लॉसम, महागुन मेमोरियल, महागुन मजारिया, महागुन मेडालियो, काउंटी 107, कल्पत्रु विस्ता, पैक्स लॉरियट, गुलशन डायनेस्टी, क्लियो गोल्ड, डैसनेट बुर्ज, एम्बियंस टेवर्टन आर अमंग्स द की अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन माइक्रो मार्केट। एम्प्लॉयमेंट हब्स डिस्कस करें तो द कॉरिडोर हैज मल्टीपल ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस एंड ITSEZs placed across sector 125, 126, 127, 132, 135, 136, 142 and 144. Prominent job centers in near vicinity include Logix Technopark, Oxygen Business Park, Advent Nevis Business Park, Unitech Infospace, among others. Some of the major companies operating here are HCL, Publicis Sapient, EXL, United Health Group, KPMG, IndiaMART, Samsung, IBM and TCS. The housing sectors of Noida and Greater Noida have evolved to be the favorites of developers and buyers due to the lack of options and high property cost in Delhi and Gurgaon. NCR के और सिटीज के कंपैरिजन में नोएडा में ज्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ की प्रॉपर्टी अभी अफोर्डेबल रेंज में है, प्लस प्राइस अप्रिशिएशन इज वेरी गुड एंड नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इज वन ऑफ द मोस्ट वेल लाइक्ड ऑप्शंस फॉर बायर्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द राइजिंग इंटरेस्ट ऑफ रेनाउंड रियल एस्टेट डेवलपर्स इन एस्टैब्लिशिंग देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट एक प्रीमियम नेबरहुड के रूप में उभर के आया है एंड ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी रेट्स हियर आर अराउंड 12,000 टू 13,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। आपको यहां 80 लाख से 6 से 7 करोड़ तक की प्रॉपर्टी मिल सकती है। सो टू कंक्लूड द वीडियो बाय समराइजिंग इट क्विकली आई वुड से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे प्रोवाइड्स एक्सलेंट कनेक्टिविटी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मेजर लोकेशंस इस बेल्ट के आसपास हैं एंड यहाँ आपको रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं इन डिफरेंट बजट्स। एंड विद दैट दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर इंपॉर्टेंट थिंग्स अराउंड द एक्सप्रेसवे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टफ। ऑल्सो नोएडा व ग्रेटर नोएडा के आसपास में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।